आज से आपको बता दें कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आज से सबसे पहले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि आज से बच्चों की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में भी सुविधा मिलेगी और इसी को लेकर के सीएम योगी जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी लखनऊ में बच्चों की आज से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर सीएम योगी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं कि किस हिसाब से बच्चों को आज से वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में जाकर के जायजा ले रहे हैं कि किस हिसाब से आज से बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जाकर के स्वास्थ्य विभाग में कि किस हिसाब से आज बच्चों को जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। तो लोगों को लंबे समय से इंतजार था, बच्चों को भी इंतजार था कि उनको वैक्सीन दिया जाए। 15 प्लस एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। तो स्कूल का आईडी कार्ड दिखाकर बच्चे वैक्सीन की डोज लगवा सकेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चिकित्सा विभागों में जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस हिसाब से मॉनिटरिंग की जा रही है, किस हिसाब से बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीएम योगी बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किस हिसाब से बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो लंबे समय से कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था, बड़ों को तो वैक्सीन लग ही रही थी लेकिन बच्चों को लेकर के लोगों में ये था लोग कि कब से वैक्सीन लगेगी। तो आज से बच्चों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 7,90,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जा करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस हिसाब से आज बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। शांति शांति। मित्रों जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें पहली जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर
एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12 करोड़ 84 लाख 94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं, 7 करोड़ 40 लाख 93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड 19 का, यह काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमॉर्बिड है उन लोगों को इस दिशा में बहुत सतर्क आवश्यकता है। और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदेश सरकार इस दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विभाग मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, वैक्सीन भी मौजूद है। हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं और हर प्रकार से प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सजग है, सतर्क है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में है। प्रदेश में कोविड 19 के कुल वर्तमान में 2,261 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2,100 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी होम आइसोलेशन में इतने मामले होने का मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि जो वायरस है कमजोर पड़ चुका है, अब उसका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी।
राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए और अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया गया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। सर, नाइट कर्फ्यू पर अखिलेश यादव का कहना है कि उनका समाजवादी रथ चल रहा था, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया।